दोस्तों न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया हुई घोषित। ऋतुराज गायकवाड़, शिखर धवन सहित 10 दिग्गज खिलाड़ी हुए शामिल। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट देखो जी में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन T20 मुकाबलों की सीरीज खेली जाने वाली है और इस सीरीज के लिए टीम इंडिया घोषित हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, ऋतुराज गायकवाड़, शिखर धवन सहित कौन से 10 दिग्गज खिलाड़ियों को शामिल कर लिया गया है, पूरा स्क्वाड आज की इस वीडियो में पूरी तरह से विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी टीम इंडिया को सपोर्ट करते हो, चाहते हो कि न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम इंडिया इस T20 सीरीज को जीते, तो इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों आज के इस वीडियो का लाइक टारगेट मात्र 1000 लाइक का है, तो दोस्तों अभी के अभी इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों बिना वक्त गवाए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का सफर अब लगभग खत्म हो चुका है। अब T20 वर्ल्ड कप के ठीक बाद भारतीय टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की एक रोमांचक T20 सीरीज खेलने वाली है, जहां भारतीय टीम में कई बड़े बदलाव हमें देखने को मिल सकते हैं। पहला बड़ा बदलाव भारतीय T20 टीम में नए कप्तान के रूप में देखने को मिल सकता है। तो वहीं पर इसके अलावा न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले जाने वाले इस सीरीज में भारतीय टीम नए कोच के साथ खेलते हुए दिख सकती है। वहीं न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलने वाली इस सीरीज में भारतीय टीम से कुछ दिग्गज खिलाड़ियों को आराम दिया जा सकता है और ऐसे में न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम इंडिया में युवा खिलाड़ियों को अधिकतर मौका मिलने की संभावना है। वहीं दोस्तों आपके हिसाब से भारतीय टीम के T20 क्रिकेट में कप्तानी किसे सौंप देनी चाहिए, टीम इंडिया में किन युवा खिलाड़ियों को मौका मिलना चाहिए, कमेंट करके अपना जवाब जरूर बताएं। वहीं दोस्तों भारतीय टीम के कप्तान और टीम के बारे में जानने से पहले भारत और न्यूजीलैंड के बीच रोमांचक आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच पिछले 5 सालों में 3 T20 सीरीज खेली गई है, जिसमें से 2 बार भारतीय टीम ने T20 सीरीज में जीत हासिल की है तो वहीं पर 1 बार न्यूजीलैंड की टीम ने बाजी मारी है। वहीं हाल ही में भारत और न्यूजीलैंड का आमना सामना T20 विश्व कप में हुआ था, जहां न्यूजीलैंड की टीम ने भारतीय टीम को करारी शिकस्त दी थी। इसके अलावा भारतीय टीम में कप्तान के रूप में रोहित शर्मा, ऋषभ पंत और केएल राहुल का नाम निकल कर आ रहा है, लेकिन T20 क्रिकेट में भारतीय टीम के कप्तानी रोहित शर्मा को सौंपनी जाने की बात सामने निकल कर आ रही है। वहीं रोहित शर्मा T20 क्रिकेट के महारथी खिलाड़ी भी माने जाते हैं। इसके अलावा T20 विश्व कप खेल चुके विराट कोहली, केएल राहुल, वरुण चक्रवर्ती, रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह जैसे दिग्गज खिलाड़ियों को इस T20 सीरीज में शायद ही मौका मिल पाएगा। अब इन खिलाड़ियों को T20 विश्व कप के बाद आराम दिया जा सकता है। वहीं भारतीय टीम में युवा खिलाड़ियों की एंट्री भी हो सकती है, जिसके बारे में आगे हम आपको बताएंगे। वहीं दोस्तों भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 सीरीज 17 से 21 नवंबर के बीच खेली जाने वाली है, जहां पहला T20 मुकाबला 17 नवंबर को बुधवार के दिन खेला जाएगा, जो कि जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेला जाने वाला है। इस मैच की शुरुआत भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से होगी, जहां हमें भारत और न्यूजीलैंड के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। इस मैच का लाइव प्रसारण टेलीविजन पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देखा जा सकेगा, वहीं मोबाइल पर इस मैच का लाइव प्रसारण हॉटस्टार एप्लीकेशन के द्वारा देख सकते हो। दोस्तों आपके हिसाब से भारतीय टीम की कप्तानी किसे सौंपनी चाहिए और टीम इंडिया की प्लेइंग 11 कैसी होनी चाहिए, कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम के 16 सदस्यीय स्क्वाड। जी हां दोस्तों, सबसे पहले भारतीय टीम की कप्तानी न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज में रोहित शर्मा संभालते हुए नजर आएंगे। T20 विश्व कप 2021 में भारतीय T20 टीम की कप्तानी विराट कोहली आखिरी बार संभालते हुए नजर आए थे। अब खबरों के मुताबिक विराट कोहली के बाद रोहित शर्मा को टीम इंडिया की कप्तानी सौंपी जा सकती है। भारतीय टीम का T20 फॉर्मेट में बेहतरीन प्रदर्शन और भी हो सकता है। रोहित शर्मा ने IPL में मुंबई इंडियंस की कप्तानी करते हुए टीम को 5 बार खिताब जिताया है। इसके अलावा रोहित शर्मा के नाम T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड भी दर्ज है। ऐसे में कई बड़े रिकॉर्ड रोहित शर्मा को एक बेहतरीन कप्तान के रूप में दर्शाते हैं। इसके अलावा टीम इंडिया के स्क्वाड में 6 दिग्गज बल्लेबाज खेलते हुए नजर आ सकते हैं। इस सूची में नंबर 1 पर बल्लेबाज के रूप में ऋतुराज गायकवाड़ को मौका मिल सकता है। हाल ही में इस दिग्गज खिलाड़ी ने IPL 2021 में अपने बल्ले से तहलका मचाया था और टूर्नामेंट में सबसे अधिक रन बनाए थे। इसके अलावा पृथ्वी शॉ को भी इस T20 सीरीज में भारतीय टीम में मौका मिल सकता है। हाल ही में हुए IPL में पृथ्वी शॉ ने बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन दिखाया था। अब न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले जाने वाले T20 सीरीज में भी इनकी बल्लेबाजी का जलवा हमें देखने को मिल सकता है। इसके अलावा भारतीय टीम में श्रेयस अय्यर और मनीष पांडे की वापसी होते हुए नजर आ सकती है। दिग्गज खिलाड़ियों की गैर मौजूदगी में मनीष पांडे को भारतीय टीम का स्क्वाड में एक बार फिर से अनुभवी बल्लेबाज के रूप में शामिल किया जा सकता है। वहीं इसके अलावा भारतीय टीम में लंबे समय के बाद श्रेयस अय्यर को भी मौका मिल सकता है। प्लेइंग 11 में भी इन्हें
लिए मौका मिलने की काफी ज्यादा संभावना है। हालांकि टी20 विश्व कप में भारतीय टीम में श्रेयस अय्यर बैकअप खिलाड़ी के रूप में मौजूद थे, वहीं दोस्तों भारतीय टीम में ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव को एक बार फिर से मौका मिल सकता है, जहां ईशान किशन टीम इंडिया की तरफ से अहम विकेटकीपर की भूमिका निभाते हुए नजर आ सकते हैं। ऋषभ पंत की गैर मौजूदगी में ईशान किशन से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद होगी। इसके अलावा टी20 विश्व कप में ईशान किशन को भारत की तरफ से एकमात्र मैच खेलने का मौका मिला था, लेकिन ईशान किशन अपनी बल्लेबाजी का जलवा नहीं बिखेर पाए थे। इसके अलावा सूर्य कुमार यादव को भी एक बार फिर से भारतीय टीम में मौका मिल सकता है। टी20 विश्व कप में नामीबिया के खिलाफ सूर्य कुमार यादव से अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला था। हालांकि पाकिस्तान के खिलाफ सूर्य कुमार यादव की बल्लेबाजी फ्लॉप रही थी, लेकिन अब न्यूजीलैंड के खिलाफ सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन अपना जलवा बिखेर सकते हैं। वहीं ऑलराउंडर के रूप में भारतीय टीम में 3 दिग्गज खिलाड़ी मौजूद होंगे, जहां पहले ऑलराउंडर के रूप में भारतीय टीम में हार्दिक पांड्या को एक बार फिर से मौका मिल सकता है। टी20 विश्व कप में हार्दिक पांड्या न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के खिलाफ गेंदबाजी करते हुए दिखे थे। इसके अलावा हार्दिक पांड्या ने बल्लेबाजी से अहम योगदान दिया था। दूसरे ऑलराउंडर के रूप में अक्षर पटेल को भारतीय टीम में मौका मिल सकता है। अक्षर पटेल को भारतीय टी20 विश्व कप की 15 सदस्यीय टीम में शामिल किया गया है, लेकिन बाद में कुछ कारणों की वजह से इन्हें बैकअप खिलाड़ी के रूप में शामिल किया गया था। वहीं अब न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले जाने वाले टी20 सीरीज में अक्षर पटेल को भारतीय टीम में खेलने का मौका मिल सकता है। इसके अलावा तीसरे ऑलराउंडर के रूप में भारतीय टीम में वेंकटेश अय्यर को मौका मिल सकता है। इसी साल इस युवा खिलाड़ी ने डेब्यू करते हुए बल्लेबाजी में बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया था और टूर्नामेंट में 370 रन बनाए थे। इसके साथ साथ गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट हासिल किए थे। वहीं तेज गेंदबाज के रूप में भारतीय टीम में 4 खिलाड़ियों को मौका मिल सकता है, जिसमें से 2 तेज गेंदबाज शार्दुल ठाकुर और दीपक चहर के रूप में खेलते हुए नजर आ सकते हैं। यह दोनों ही खिलाड़ी बेहतरीन गेंदबाजी के साथ साथ बल्लेबाजी में भी अहम योगदान देने का दमखम रखते हैं। इसके अलावा गेंदबाजी में मोहम्मद सिराज और आवेश खान को भी मौका मिल सकता है। हाल ही में IPL 2021 में आवेश खान ने अपनी गेंदबाजी से खूब तहलका मचाया था। इसके अलावा स्पिनर गेंदबाज के रूप में टीम में राहुल चहर और युजवेंद्र चहल को मौका मिल सकता है। टी20 विश्व कप में राहुल चहर भारतीय टीम के 15 सदस्यीय दल में मौजूद थे, जहां इन्हें नामीबिया के खिलाफ एक मैच खेलने का मौका मिला था। वहीं इसके अलावा युजवेंद्र चहल की भारतीय टीम में वापसी होते हुए नजर आ सकती है। टी20 विश्व कप में युजवेंद्र चहल को मौका नहीं मिला था, लेकिन अब न्यूजीलैंड के खिलाफ युजवेंद्र चहल अपना जलवा बिखेर सकते हैं। दोस्तों कुछ इस तरह से न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 का स्क्वाड हो सकता है। दोस्तों ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या टीम इंडिया टी20 सीरीज रोहित शर्मा की कप्तानी में पहली बार जीत पाएगी? उसका जवाब आप हमें कमेंट करके जरूर दें। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।